जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 7 मई 2024 और 7 मई 2024 के प्रमुख सैनिक समाचार और 7 मई रोजगार समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर, ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी हुई है 5 लाख की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 30/4/2024 को एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया और यहाँ पे बताया गया इसका सब्जेक्ट है इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रेजुटी एंड अकाउंट ऑफ डीएनएस अलाउंस राइजिंग बाय 50%। यहाँ पे कुछ डिटेल्स इसकी दी गई है। बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी शैल बी इंक्रीज बाई 25% वन एवर द डीएनएस अलाउंस राइज बाई 50% ऑफ द बेसिक पे। जब भी जो डीएनएस अलाउंस है वहाँ 50% से ऊपर होता है तो 25% यहाँ पर ग्रेजुटी में वृद्धि होती है। जो भी रिटायर आएंगे अभी 1/1/2024 से उनके लिए यहाँ लागू है। अकॉर्डिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी शैल बी इंक्रीज बाई 25% टू आर एस 25 लाख फ्रॉम एग्जिस्टिंग रुपीज़ 20 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ डीएनएस अलाउंस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू 50% ऑफ द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024 सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस मेंशनड इन द DOP एंड PWOM डेटेड 4/8/2016। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी 1/1/2024 से रिटायर आएंगे उनको जो ग्रेजुटी है 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेगा, तो उसके संबंध में यह लेटर जारी किया गया है। अगली जो खबर है, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ लेटर आप देख पा रहे होंगे, बल्कि एडवर्टाइजमेंट है, लेटर में मैं आपके आगे बताऊंगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, पूर्व सैनिकों के बच्चों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। एलिजिबिलिटी है कि फॉर डॉटर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पर्सन ओनली टोटल सीट 61 सीट ईच ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। इसके जो क्वालिफिकेशन है 10+2 मेडिकल रखा गया है, मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड पास इन इंग्लिश होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क इन OTA टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन। यहाँ पर एडमिशन से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है और एप्लीकेशन ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा 3 मई से शुरू हो गया है और 15 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट जो होगा आपका बच्चों का 30 जून 2024 को होगा। एडमिशन ओपन फॉर BSc नर्सिंग 2024-25 के तहत। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं, वेबसाइट का भी यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं www.acn.co.in। और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाती है उसकी जानकारी भी इस नोटिफिकेशन में दी हुई। इसके संबंध में लेटर भी जारी किया गया है, जो टेलीफोन नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, आर्मी कॉलेज नर्सिंग दीपनगर जालंधर कैंट से और हेडक्वार्टर अलेन कॉर्पस AWS केयर ऑफ 56 KPU। एडमिशन नोटिस है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट। इट इज़ इंटीमेटेड दैट ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट यानी कि OTA जो होगा एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स इट आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ACN जालंधर कैंट एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग AIN जो कि गुवाहाटी में होगा, शेड्यूल्ड है 30 जून 2024 को संडे को। ए कॉपी ऑफ द ली लेफ्ट एडमिशन नोटिस इन इनक्लोजर हियर विद यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट द सेम टू ऑल द फॉर्मेशन यूनिट्स एंड ब्रांचेज ऑफ हेडक्वार्टर अलेन कोर्स फॉर वाइड पब्लिसिटी, प्लीज इंक्लूड ऑन द सोशल मीडिया हैंडल ऑफ बजरा कॉर्पस। तो इसके संबंध में लेटर है और जहाँ पे पूर्व सैनिकों के बच्चों को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगली खबर है, शहीद कॉर्पोरल बिक्की पहाड़े का पार्थिव देह पहुँचा छिंदवाड़ा, CM मोहन यादव ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपये की मदद राशि। मध्य प्रदेश के थे रहने वाले, पुंछ आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के जवान बिक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर 6 मई को छिंदवाड़ा लाया गया और 4 मई को भारतीय वायुसेना के काफिले पर जो आतंकवादियों ने हमला किया था उसमें उनकी शहादत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद IAF इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक बिक्की पहाड़े हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बिक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि दी और साथ में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि दी है। 33 वर्षीय बिक्की पहाड़े छिंदवाड़ा के नौनिया करबल के रहने वाले हैं। उनके परिवार में उनकी माँ, पत्नी और 1 5 साल का बेटा है। उनकी 3 बहनें भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अगली जो खबर है कि आखिर पूर्व सैनिक के दिव्यांग बेटे को मिली पेंशन, नाम आर्मी रिकॉर्ड में नहीं था। नाम आर्मी रिकॉर्ड में नहीं था इसलिए बहुत सारी परेशानी आई इनको, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अभी इनको पेंशन मिल रही है। एक खबर है,
खुंडिया कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से, उपखंड ज्वालामुखी की तहसील खुंडिया के गांव घरलाहड़ के 52 वर्षीय होशियार सिंह, जो कि जन्म से ही दिव्यांग हैं, उन्हें सेना में पेंशन लगने से इलाके में काफ़ी खुशी है। पूर्व सैनिक लीग खुंडिया के अध्यक्ष रिटायर कर्नल MS राणा ने बताया कि होशियार सिंह दिवंगत सिपाही बिशंबर सिंह के बेटे हैं और इनके पिता की जून 1991 में मृत्यु हो गई थी और माता रोशनी देवी का जून 2014 में निधन हो गया। होशियार सिंह का नाम आर्मी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। तो काफ़ी पूर्व सैनिकों का यदि इस तरह का केस है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसमें जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और काफ़ी जटिल भी होता है। तो यहाँ पर इसी से संबंधित जानकारी दी गई है। 2016 में इनका नाम आर्मी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का काम इलाके की रिटायर मेजर ईश्वर सिंह ने शुरू किया। रिकॉर्ड ने परिवार का ब्यौरा कोर्ट के माध्यम से मांगा, जिसकी पैरवी और खर्च मेजर ईश्वर सिंह ने पूरा किया। नाम दर्ज करवाने में लगभग 5 साल लग गए। आगे की कार्रवाई पूर्व सैनिक लीग खुड़िया की टीम ने शुरू की। प्रत्येक शर्त को तहसील में पूरा किया गया और मार्च 2023 में पेंशन के कागजात तैयार कर रिकॉर्ड में भेजे गए। लगभग 7 साल की मेहनत के बाद अब सेना से होशियार सिंह को 16,000 रुपये की मासिक पेंशन लगी है। तो किसी का भी पूर्व सैनिक का जो बच्चा विकलांग है उनका नाम अभी तक भी रिकॉर्ड में नहीं है तो दर्ज करवा सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है और आपकी फैमिली मुझे जाने के बाद यदि आपका बच्चा विकलांग है तो उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे जो कर्नल साहब थे उन्होंने काफ़ी मदद की, लेकिन हो सकता है हर किसी के साथ ऐसी मदद सबको न मिले। अगली खबर है प्रादेशिक सेना की 128वीं टुकड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 2024 के तहत। प्रादेशिक सेना की पैदल टुकड़ी राज रायफल की 128वीं बटालियन में केवल राजस्थान की भूतपूर्व सैनिकों और वन विभाग के सेवानिवृत्ति महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ भर्ती है। यह भर्ती 13 मई 2024 को श्री मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में की जाएगी। और यहाँ पर प्रादेशिक सेना की पैदल टुकड़ी राज रायफल की 128वीं बटालियन में कुल 84 पदों के लिए भर्ती की जाएगी और जिसका ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सोल्जर GD 76 ये ओनली राजस्थान के एक्सेसमैन के लिए है। GCO क्लर्क की एक वैकेंसी से जो कि ऑल इंडिया से, क्लर्क की 4 वैकेंसीज ऑल इंडिया से है, ड्रेसर की एक वैकेंसी ऑल इंडिया से, कारपेंटर की भी एक वैकेंसी ऑल इंडिया से और हाउस कीपिंग की एक वैकेंसीज है ऑल इंडिया से। तो टोटल वैकेंसीज की संख्या जो 84 है। इसके लिए योग्यता क्या है कि भूतपूर्व सैनिक जो भी पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वन विभाग से सेवानिवृत्ति महिला कर्मचारी जिनकी कम से कम सेवा 20 वर्ष की हो, आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, चिकित्सा श्रेणी 56 होना चाहिए और चरित्र एग्जाम्पलरी या वेरी गुड होना चाहिए। इसके जो कागजात हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि मूल डिस्चार्ज बुक, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और साथ में 8 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें 1.6 किलोमीटर का रन होता है जिसको 7 मिनट में कम्प्लीट करना होगा और भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। अगली खबर है कि बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचा रिटायर फौजी, बोले मैंने देश की सेवा की है अब जनता की सेवा करूंगा। जो चित्र यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये घटना बिहार की है। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 6ठे चरण में मतदान होना है। बीतिया में भारतीय जवान किसान पार्टी से रिटायर फौजी रमेश प्रसाद ने वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। यह नामांकन अनोखा रहा क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी रिटायर फौजी रमेश प्रसाद बैलगाड़ी के साथ नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सेना से रिटायर होकर अपने गांव आया हूं, मैं गरीबों मजलूमों की आवाज़ लगातार उठाता रहता हूं। सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनती, हमें विभिन्न योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए वहां नहीं मिलता, जिसके कारण मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैंने देश की सेवा की है अब वाल्मीकि नगर की जनता की सेवा करूँगा। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है इसलिए आज वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से अपना नाम दाखिल कर रहा हूँ, रमेश प्रसाद रिटायर फौजी। अगली जो खबर है, भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारी, नई ब्रांच में बनेगी ब्रिगेडियर। इंडियन आर्मी में पहली बार भारतीय महिला अधिकारी नई ब्रांच में ब्रिगेडियर बनेगी। सूत्र के मुताबिक अगले साल अगस्त सितंबर के आसपास ब्रिगेडियर के लिए प्रमोशन बोर्ड बैठक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2020 में आर्मी में महिलाओं को उन सभी ब्रांच में परमानेंट कमीशन दिया गया था जिसमें वर्सार सर्विस कमीशन के तहत आई हैं। पिछले साल फरवरी में परमानेंट कमीशन पाई महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक में पोस्टिंग हुई थी। एक अधिकारी के मुताबिक कर्नल रैंक में 2 साल होने के बाद उन्हें ब्रिगेडियर रैंक के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगले साल सेकेंड हाफ में ब्रिगेडियर का स्पेशल प्रमोशन बोर्ड बैठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आर्मी
अब तक 92 से लेकर 2009-22 तक की 508 महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दे चुकी है। इसमें से 128 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में प्रमोशन भी दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल 1992 से 1997-22 तक की इन सभी महिलाओं को ब्रिगेडियर रैंक के लिए कंसीडर किया जाएगा। आर्मी में पहले सिर्फ मेडिकल कोर, लीगल और एजुकेशन कोर में ही महिला अधिकारियों को यहां प्रमोशन दिया जाता था, क्योंकि इन्हीं ब्रांच में महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन था। महिला अधिकारी अब आर्मी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि एमई, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर में परमानेंट कमीशन की हकदार हैं। इसका मतलब यह है कि वह इन सब ब्रांच में कर्नल और उससे ऊपर के किसी भी रैंक में पहुँच सकती है। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा यह लेटर दिया गया है। होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट डिफेंस ब्रांच 16 अप्रैल 2024 को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर वेटनर्स इन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पे बताया गया है कि इन ग्रुप सी एंड डी कैटेगरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जॉब 5% वैकेंसीज जो है ग्रुप सी में है और 10% वैकेंसीज ग्रुप डी में है। परमानेंट वैकेंसी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे नो रैंक स्ट्रक्चर है और उसके अलावा यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इन वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, स्टेट वार हाउसिंग कॉरपोरेशन, करेक्शनल सर्विस, वेस्ट बंगाल सिविल डिफेंस, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कम्युनिकेशन सर्विस, इन सभी में कॉन्टैक्ट बेस पे पूर्व सैनिकों की नौकरी है। ऑल एसएम टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब एज अंडर, जो भी पूर्व सैनिक वेस्ट बंगाल के हैं वहाँ ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से आपको जॉब मिल सकती है उसके लिए अप्लाई आपको करना होगा। विजिट राज्य सैनिक बोर्ड .wb.gov.in, आपको विजिट करना है राज्य सैनिक बोर्ड .wb.gov.in। उसमें आपको क्विक लिंक में जाना है, उसके बाद जॉब एप्लीकेशन में, जॉब सीकर में, उसके बाद न्यू इनरोलमेंट में, उसके बाद जाना आपको फिल इन द फॉर्म एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट। एक फॉर्म आएगा उसको आपको भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद वेदर एक्सेसमेंट, उसमें एक ऑप्शन आएगा आप एक्सेसमेंट हैं तो यस उसमें ज़रूर करना है और सबमिट कर देना है। आपका नाम राज्य सैनिक बोर्ड में चला जाएगा और आपको जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी आपने अप्लाई किया है आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये जो लेटर है वेस्ट बंगाल के द्वारा जारी किया गया है 16 अप्रैल 2024 को पूर्व सैनिकों